जलाल साहब आप बता सकते हैं ये क्या मतलब हाथ में क्या है? रहमतुल्लाहि व बरकात। तो मेरे अजीज हो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यार क्या हुआ कि मैं आज बहुत लेट हुआ है 4 बजे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही नींद आई और मैं 12 बजे उठा हूँ। आप तो मैं ब्रेकफास्ट करूँ या लंच करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है ब्रेकफास्ट ही करना चाहिए क्योंकि ब्रेकफास्ट ज़ाया हो जाएगा। तो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, तो आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। आज हम लगाएंगे किसी को, मेरे भाई को लगाएंगे। देख करो बिला फोन है जी बिला। हेलो हेलो कैसी करना फोन है मिस्टर करकर निकल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिलाल साहब, बिलाल साहब आप बता सकते हैं ये क्या मतलब हाथ में क्या है? इसको क्या कहते हैं? कांगड़ी। मतलब ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? गर्मी के लिए। गर्मी के लिए? ज़रा मुझे दिखाइए पूरा। यार ये देख सकते हैं आप, इसको हम कांगड़ी कहते हैं कश्मीरी में। इट्स लाइक ए पॉट। तो इसमें क्या हम करते हैं, इसमें हम कोयला डालते हैं जिसकी वजह से मतलब फिर वो जलाते हैं। और ये मतलब कि वन मंथ 24 आवर्स के लिए कोयला रहता है। और आप देख सकते हैं ऐसे हम हाथ में ये पकड़ते हैं ताकि हम इससे अपने आप को वार्म करें। तो आपको कैसा लग रहा है इस बर्फ में बिलाल साहब? बर्फ में कैसा लग रहा है? हम सुनिया का सर देख सकते हैं जुगाड़ कैसे कर रहे हैं। एल्फी और ये यूज कर रहे हैं को इसको डस्ट को। तो ये गाइस सबको बहुत ही मजा आ रहा है अपने भाई के साथ। हम मतलब 5 साल के बाद मिले हैं। बेचारा कितना बड़ा हो गया है। बिलाल साहब हम कब जाएंगे घूमने? संडे। चलो हम जाते हैं संडे को घूमने। हम आपको दिखाएंगे हरवान, निशाद, मुल्फाक, बहुत बहुत जगह हम आपको दिखाएंगे। तो तब तक के लिए आप बने रहे इस वीडियो में, आपको हम और मिलते हैं और चीज़ें दिखाने के लिए। हाँ तू भी लगा ना मुझे। देख सकते हैं हम इस छोटे बच्चे को पकड़ना है हमें। अले बना रहा है उसको ऐसे पकड़ ऐसे नहीं। और जनाब ये देख सकते हैं आप, इसे कहते हैं अच्छो मनाना तंदूर। तो जनाब ये देख सकते हैं इसको बोलते हैं तंदूर, ये कश्मीरी तंदूर है। ये मिट्टी से बनाया जाता है
और इसमें आप देख सकते हैं इसमें हम वुड पुट डालते हैं, जिसकी वजह से जो ये साइड में है ना, यहाँ पर हम रोटियाँ रखते हैं ताकि उसको हीट मिले और मतलब वो पक जाए। तो गाइस इस वक्त मैं अपने ननिहाल जा रहा हूँ ताकि अपने मामा और मामी को देख लूँ, वो मुझे बहुत ही मोहब्बत करते हैं। तो हम जाएंगे अपने ननिहाल, मगर यार बहुत ही बर्फ है, सारा रोड खराब हो गया बर्फ की वजह से, यहाँ पर पानी भी जमा हो गया। ये रहा मेरा ननिहाल, देख सकते हैं मेरी भाभी ने कितने मतलब प्यार से मुझे दिया माशाल्लाह। मैं दिल में सोच रहा था कि मेरे लिए एक बटर हो, तो भाभी ने मेरी दिल की बात ही छीन ली। तो गाइस जैसा कि हमें बहुत भूख लगी और हम एटीएम के पास से थोड़े पैसे निकालेंगे और फिर तिब्बतियन के पास जाएंगे, तिब्बतियन मुँह के पास कुछ खाने के लिए। तो आजान और यार मैं आप वीडियो कट करता हूँ। ये खास तिब्बतियन सूप है, पता ही नहीं किसे बना होता है, ये किसे बना होता है, ये शायद है चिकन सूप। यार तो बहुत ही मज़ा आया हमें खाने में, बहुत ही अच्छे मोमोज़ ये बनाते हैं तिब्बतियन वाले। यार तो बहुत ही मज़ा आया हमें ये खाने में और हम अब सीधे घर जाते हैं। चले अब आपको हम घर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो मैं यहाँ पर रुक गया क्योंकि मुझे बहुत ही ठंड लगी थी, तो मैंने देखा दो चार बंदे ये जला रहे थे, तो फिर मैंने इसके सामने अपने आप को गर्म किया और इसके बाद मैं फिर घर चला गया। तो बहुत ही मज़ा, मैंने यहाँ पर एक सिनेमैटिक शूट भी किया है, तो आपको इंशाल्लाह मैं इंस्टाग्राम पे दिखाता हूँ मैंने कौन सा सिनेमैटिक शूट इसमें किया है। और देख सकते हैं आप मैं कैसे यहाँ पर बैठा हूँ ठंड की वजह से। तो अब हम घर पहुंच गए, अब मेरी मामा खाना दे रही है सबको और मैं खाना खा के अब सो रहा हूँ। तो अल्लाह हाफिज़, एंड में व्लॉग यहीं पर करता हूँ, अल्लाह हाफिज़।